हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग मोर चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में, जहां हम आप लोगों से बात करने वाले हैं आज के चैप्टर 2 के लेक्चर 2 के बारे में, जहां हम करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक या चैप्टर ट्रेन्स, जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के सवाल हम लोग करने वाले हैं। मगर उससे ठीक पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्या है वो चीज, वो है 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और उसके साथ साथ सारे ओलंपियाड्स जो कि 6 से लेकर के 10th में आप लोगों के नॉलेज में होने वाले हैं। सबसे बढ़िया चीज जो बेटा आप लोगों के लिए हम लोगों ने अभी अभी इंट्रोड्यूस करी है कुछ एक या दो दिन पहले, वो ये है कि PRMO एस्पिरेंट्स जो कि आपके बड़े भाई बहन होंगे, जो कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड दैट इज PRMO के बारे में जानते होंगे या उनको जो है फाइट करना होगा PRMO, तो उनके लिए बहुत बढ़िया सी चीज ये हुई है बेटा कि हम लेकर के आए हैं प्रशांत सर की एक्सक्लूसिव बुक आप लोगों के लिए, राइट, जो कि अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, www.talkingtextbooks.in पे जाना है, PRMO सेक्शन के अंदर जाकर के उस बुक को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं। प्रोमो कोड आप लोगों को जो है डेफिनेटली मिल जाएगा, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कीजिए और उन प्रोमो कोड्स के बारे में जानकारी ले लीजिए, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के साथ यानी कि बुक के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। उससे ठीक पहले हम लोग क्या करते हैं, वापस से यहाँ हमारे साथ जुड़ जाइए और देख लीजिए कि ये जो टीम है हमारी बहुत ही ऑसम सी, जिसमें मैं भी हूँ और उसके साथ लोकेंद्र सर हैं, देन फिर आपके पास विकास सर हैं, देन आपके पास अक्षय माधव सर हैं, चेरी यादव मैम हैं, ये लोग आप लोगों के पास डेफिनेटली मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टडी मटेरियल लेकर के आ रहे हैं या वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना है। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुन लीजिएगा ध्यान से, टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल DPPs वहां आप लोगों को दिख जाएगा। अगर वो DPPs या सैंपल मटेरियल आप लोगों को पसंद आता है तो क्या करना है, फटाफट से जो है यहाँ आ जाना है। यहाँ कहाँ आएंगे आप लोग, यहाँ आएंगे आप लोग टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को जाना है, जो कि है क्या, ये क्या है बेटा, ये मार्कर चल नहीं रहा है, मार्कर चल नहीं रहा है, तो मार्कर को हम इस तरीके से चला लेते हैं। ये लीजिए www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पे आप लोगों को जाना है, वहां जाकर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज वाले पैकेज में आप लोगों ने जाना है, और वहां आप लोगों को दिखेंगे कुछ इस तरीके के स्टडी मटेरियल पैकेज, जिनका रेट जो है 6th, 7th और 8th के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए हम लोगों ने 6th कक्षा का एक सैंपल पैकेज यहाँ लगा रखा है, जिसका कीमत है मात्र 9,000 रुपए, जिसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड TTB एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, बाई वीकली क्विजेस का फैसिलिटी और टेस्ट पेपर्स जो आप लोगों को रेगुलरली मिलते रहेंगे, राइट, जो कि आप लोग अटेंड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप पे जा करके। लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब आप यहाँ करेंगे क्लिक बाय नाउ के ऊपर। जैसे ही आप लोग बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्राइस डिटेलिंग सेक्शन, जहां आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही बढ़िया सी चीज जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये है कि ये जो 9000 की कीमत का पैकेज है, कितना है बेटा, 9000 रुपीज का पैकेज। ये 9000 रुपीज का पैकेज आप लोगों को जो है 30% डिस्काउंट में डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ये 30% डिस्काउंट पाने के लिए या लगाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लगाना है एक है लाइव, राइट, ये कूपन कोड जैसे ही आप लगाते हो बेटा तो आप लोगों को मिलेगा 30% का सीधा सीधा छूट, ठीक। तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6300 रुपए, मात्र 6300 रुपीज, यानी कि ओनली 6300 रुपीज, जिससे कि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करते ही आप लोग रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे किस तरफ, यहाँ, जो कि है आपका 3 पेमेंट गेटवेज का पेज, जहां पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड है तो वहां से पेमेंट कर दीजिए, बस पेमेंट कर दीजिए और हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका कॉल रिसीव कर लीजिए। जैसे ही आपके पास कॉल रिसीव होता है वो आप लोगों से पूछ लेंगे कि भैया आपका मेलिंग एड्रेस क्या है, और आप लोग जो है वहां पर अपना मेलिंग एड्रेस दे दें और आपकी बुक्स को या आपके मॉड्यूल्स को प्राप्त कर लें। जैसे ही आप लोग अपना मॉड्यूल या अपना बुक प्राप्त कर लेते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसको स्टडी करते रहना है और बता देना है मुझे कहां पर, यहां इस नंबर पर। ये जो नंबर है बेटा 9549043333, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए और कॉल करके मुझे बता दीजिए कि सर आपका कोड लगा करके हम लोगों ने जो है पैकेज खरीद लिया है, अब हमें क्या करना है।
और अगर किसी भी तरीके की परेशानी आप लोगों को आ रही है पैकेज खरीदने में या पैकेज खरीदने के बाद, तो आप लोगों ने कॉल करना है इस बहुत ही बढ़िया से नंबर पे और मुझसे सारी जानकारी ले लेनी है, राइट। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ थोड़ा सा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर टू ट्रेन्स के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं फटाफट से कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीरिक्विजिट्स ये होते हैं, उसके बाद नंबर सीरीज के अंदर कुछ इस टाइप की चीजें आती हैं, मिसिंग टर्म्स, रॉन्ग टर्म्स इन द सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके अंदर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स, मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, लेटर रिपीटिंग सीरीज, मिसिंग लेटर्स इन द गिवन फिगर, और उसके बाद जो है आज का चैप्टर शुरू करने से पहले, ये तो हुई रिविजन की बात, पर आज का चैप्टर शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जहां कार्डिनल प्रॉमिस कहता है कि आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जैसे ही आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप लोगों को क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि स्मार्टनेस जो है बेटा वो हमें बहुत ज्यादा मदद करती है किसी भी चीज को करने में। तो ठीक है बेटा, आज के ये कसम के बाद हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर टू, जो कि है ट्रेन्स के क्वेश्चंस पे बेस्ड। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आपके ठीक सामने नजर आ रहा है। अगर आप लोग जो है सवाल पढ़ रहे हैं और बाकी लोग जो है अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो फटाफट से देखो बेटा स्क्रीन के इस तरफ जहां मेरा हाथ है वहीं ये मेरा हाथ आ गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो चीज जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, सब्सक्राइब का बटन। यहाँ सब्सक्राइब का बटन जैसे ही आप देखते हो तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्वेश्चन में हमारे साथ बने रहना है। तो पहले सवाल को देखते ही मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये मेरा पहले टाइप का सवाल है, जो कि है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज पे बेस्ड। पहला सवाल हमारा कहता है कि लुक एट दिस सीरीज 14, 28, 20, 40, 32 and 64। अब इसमें कहा है कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये सवाल पूछ रहा है कि बेटा आप लोगों को जो दी गई है वो एक सीरीज दी गई है, और इस सीरीज के अंदर जो है यहाँ पर अगली टर्म क्या आने वाली है, ऐसा सवाल आप लोगों से पूछा गया है, और सवाल का जो जवाब है वो इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में छुपा पड़ा है। जैसे ही आप ये देखते हैं कि क्या छुपा पड़ा है, तो आप लोगों को क्या समझना है, क्या सोचना है, मैंने चैप्टर वन के बाद जब लेक्चर टू करवाया था, किसका, चैप्टर टू का, या लेक्चर वन करवाया था चैप्टर टू का, तो मैंने आप लोगों को एक शब्द जो है मार्क करके दिया था, वो था ये, क्या था बेटा, पैटर्न लिखा हुआ था, या मैंने आप लोगों को लिखा था एक और शब्द जो आप लोग खुद बताएंगे मुझे, यहाँ पर ले लीजिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैंने आप लोगों को दो वर्ड जो है हाईलाइट करके बताए थे, एक तो था पैटर्न और दूसरा वर्ड क्या था वो मुझे बता दे। ठीक है, हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, वो वर्ड जो है वो एम से शुरू हो रहा था, राइट। अब क्या करना है, ये चीज हमें ध्यान देनी है, हमें पैटर्न पे खास करके ध्यान देना है कि सीरीज में किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हो तो क्या चीज इसमें फॉलो हो रही है, जरा मुझे फटाफट से बता दो। ये देखो बेटा, इसके लिए आप लोगों के पास है मात्र 30 सेकंड का वक्त, जो कि शुरू होता है अब। पैटर्न फटाफट से बता दो बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो जो है 30 सेकंड तुम्हारे बर्बाद होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या हुआ है फटाफट से देखो बेटा, इस सीरीज के अंदर एक पैटर्न जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा या आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कमेंट तो तुम लोग वैसे भी करते नहीं हो, सोते रहते हो या पता नहीं सोने की नाटक करते रहते हो। सीरीज को हम लोगों ने यहाँ नीचे लिख लिया है, सीरीज को नीचे लिखने के बाद मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि यहाँ क्या होने वाला है। ध्यान से अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो क्या मैंने 14 में कुछ प्लस किया है, अगर मैं 14 में कुछ प्लस करता हूँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 14 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि होगा 2। यानी कि अगर मैं 14 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो मेरे पास ये डिजिट डेफिनेटली आने वाली है। जैसे ही मेरे पास 28 आ गया तो मैं क्या करूंगा, अगली डिजिट की तरफ भागूंगा, और अगली डिजिट की तरफ भागने पे मुझे ये पता चलता है कि मैंने क्या किया है, यहां से माइनस किया है, कितना, 8 माइनस किया है। समझ गए, सवाल में पैटर्न क्या है, पहले हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और दूसरी स्टेप में हम करेंगे माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ 8। क्या किया, 20 हमारे पास आ गया, अब हमने वापस से वही स्टेप रिपीट किया, यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2
एंड देन सब्सट्रैक्शन ऑफ 8। ठीक है बेटा, समझ गए, सोच लिया। अब जो है यहां एक रिपीटिव स्टेप, वापस से मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां ये समझ गए तुम लोग कि माइनस 8 आप लोगों को करना है। जैसे ही आप 64 में से माइनस 8 करोगे, आप लोगों का आंसर आप लोगों के सामने नजर आ जाएगा, जो कि होने वाला है 56, यानी कि 56। अब तक 56 ही आंसर आया है, और अब तक 56 जो है बहुत ही बढ़िया मूवी थी। आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो, और आप चाहो तो उसको नहीं भी देख सकते हो, क्योंकि हम हैं पढ़ने वाले स्मार्ट बच्चे, तो हम क्या करेंगे कि स्मार्टनेस के साथ सिर्फ पढ़ते रहेंगे, और जो है मूवीज वूवीज जो है हम बाद में देखते रहेंगे। तो चलिए बेटा, आज का जो पहला सवाल था हमारा, यानी कि स्टार्टिंग क्वेश्चन जो था वो हम लोग कर चुके हैं, और हम लोगों ने जवाब दे दिया है कि भैया अब तक 56 हमारा जवाब आया है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। पैटर्न को जो है ध्यान से सुनते रहो, और कमेंट बॉक्स में ये जो सेकंड वर्ड था इसको जो है तुम लोग लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, और जैसा तुम चाहते हो वैसा होना भी चाहिए, तो तुम्हें क्या है कि मजा आता रहेगा। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, और इसमें भी हमें क्या पूछा गया है, मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का अगला सवाल जो है हमारे सामने नजर आ रहा है। लुक एट द सीरीज जो कि है 201, 202, 204, 207 एंड सो ऑन। आपसे सवाल किया गया है कि भैया मुझे ये बता दीजिए कि इस सवाल के अंदर जो है मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो फायदा ऐसे कुछ नहीं होने वाला, फायदा ऐसे तुम्हें ये होने वाला है कि तुम लोगों को जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा, जिससे कि हमें जो है थोड़ी सी जो है मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे या आपके चेहरे पे देखने को नजर आ जाएगी। तो इस सवाल के अंदर आप लोगों को जो गेम खेलना है वो क्या गेम खेलना है, फटाफट से सीरीज को देखो और मुझे ये बता दो। चलिए आइए बात कर लेते हैं सवाल के ऊपर कि इसमें सीरीज में क्या पैटर्न दिया हुआ है। देखो इस सीरीज का पैटर्न अगर तुम ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि सर इसमें तो जो खेल खेला गया है ना वो बड़ा अजीब सा खेल है। तो क्या करोगे आप लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और ध्यान से देख करके मुझे इसका जवाब दे दोगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को जो नजर आता है वो ये नजर आता है बेटा कि पहले तो है ये एडिशन कुछ हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ कुछ एडिशन हुआ है, और फिर यहाँ कुछ एडिशन हुआ है। अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखते हो तो आप लोगों को यहाँ नजर आएगा प्लस वन का एडिशन, उसके आगे अगर आप पढ़ते हो तो इस पर्टिकुलर नंबर में जो है कितना ऐड हुआ है जरा फटाफट से बता दो, क्या हो रहा है देखते रहो। प्लस वन ऐड हुआ, यहाँ पे आपका प्लस टू ऐड हुआ, ठीक है, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो फोर में प्लस किया कितना, थ्री, तो आप लोगों का जवाब आया 207, यानी कि 207। 207 ऐसे याद रख लो कि भैया 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती है, जो कि आप लोगों को बायो में विकास सर पढ़ा रहे होंगे। तो 207 जो है इसका नंबर है, हमारे इस क्वेश्चन का नंबर है, जो कि हमारा लास्ट डिजिट होने वाला है। तो जैसे ही आप लोगों की लास्ट डिजिट आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोगों को एक पैटर्न यानी कि एक मैनर समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, हर डिजिट में 1, 2, 3 ऐसा प्लस हो रहा है। तो हमारी अगली डिजिट जो होने वाली है वो कितने के एडिशन पे होगी, ये इतने एडिशन पे होगी, यानी कि 207 के अंदर मैं क्या करूंगा, 4 नंबर जो है वो प्लस कर दूंगा, तो मेरा जवाब जो है सीधा सीधा ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास, राइट। क्या ये सही चीज है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही चीज है कि हमने अगर एक पैटर्न को समझ लिया, बार 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 हर बार मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप लोगों को जो है पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग पैटर्न समझ जाते हैं किसी भी सवाल का तो आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी से मुझे बता दो, क्या करोगे आप लोग, सवाल को सॉल्व करने की एक कंडीशन में आ जाओगे, ठीक है। तो क्या किया हमने, हमारे दूसरे सवाल में भी जो पैटर्न था उसको समझ लिया, सोच लिया, देख लिया, पहचान लिया, और जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने तालियां बजा दी इस सवाल को सॉल्व करने के बाद। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। पैटर्न तुम लोग देखते चलो, समझते चलो,
अगला सवाल जो है फिर से मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज के ऊपर बेस्ड है, जहां हम बात करने वाले हैं 544, 509, 474 यानी कि 74 और उसके बाद जो है 439 पे। क्यों 439 पे बात करने वाले हैं? तो इससे हमें एक चीज पता चल गया कि ये जो है क्या है, ये जो है एक ऐसी सीरीज है जहां आप लोगों को कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं इस सीरीज को यहां नीचे की तरफ लिख लूं तो मुझे क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी या इजीनेस आ जाएगी। ठीक है बालक, चलिए अब क्या हो रहा है इस सीरीज को देख करके, इसका पैटर्न यानी कि जो इसका पैटर्न है वो क्या दिख रहा है? सब्सट्रैक्शन हमारा जो है एक पैटर्न यहां नजर आ रहा है। बट अगर मैं कुछ में से कुछ सब्सट्रैक्ट करता हूं और इस कुछ में से फिर कुछ सब्सट्रैक्ट करता हूं और इस कुछ में से फिर से कुछ सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या इस सीरीज का पैटर्न होने वाला है, राइट? तो अभी के लिए आप क्या करो, 544 में से 509 जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आप लोगों को क्या दिखाई देता है कि सर अगर हम 544 में से 509 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये 35 जैसा कुछ डिजिट मिलता है। यानी कि अगर मैं 544 में से 35 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है 509 एज अ आंसर आएगा। इसको प्लस भी लिख सकते हो आप, लेकिन अगर आप इसको प्लस लिखोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इसमें प्लस करना है। तो बेटा इसको प्लस मत कीजिए, इसको आप माइनस ही लिखिए। कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। किस में से? 544 में से 35 को माइनस कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप यहां ध्यान दो तो 509 में से क्या हो रहा है, 474 माइनस हो रहा है ना? किस में से? 35 माइनस करोगे आप 509 के अंदर से तो आप लोगों को जवाब मिलेगा 474, राइट? 474, फिर वापस से क्या करो, माइनस 35 कर दो तो आप लोगों को जवाब मिलेगा 439। 439 जो डिजिट है, एक पैटर्न आप लोगों को पता चल गया कि देयर इज अ सब्सट्रैक्शन पैटर्न एंड दैट पर्टिकुलर पैटर्न इज फॉलोड बाय सब्सट्रैक्टिंग 35 फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। यानी कि पहले वाले नंबर में से अगर मैं 35 माइनस करता हूं तो मुझे अगला नंबर मेरा मिल रहा है। तो क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये नंबर। क्या फाइंड करना है बेटा? ये नंबर फाइंड करना है। और जैसे ही मैं इस नंबर को फाइंड करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन। तो क्या करो, 439 में से 35 को माइनस कर दो। जैसे ही तुम 35 इसमें से माइनस करते हो तो तुम्हारे पास जो डिजिट आएगी वो आएगी बेटा ये। अरे भाई ऑप्शन की तरफ मत देखो, सब्सट्रैक्शन तो आता ही होगा ना सबको, ये सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन बन के आता है वो ऑप्शन ए नोटिस हो रखा है, जहां आप लोगों को अपना जवाब मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? क्या करना है, 404 को फट से टिक मार्क कर देना है और अपना तीसरा सवाल जो है उसको भी सॉल्व कर लेना है। जैसे ही आप लोगों ने इस क्वेश्चन का पैटर्न समझा तो जो है आसानी हमें हो गई, राइट? समझ गए सोच लिया और दिमाग में बिठा भी लिया। तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, पर उससे पहले तुम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हर बार मेंटल एबिलिटी के सवालों के अंदर आप लोगों को सवाल का पैटर्न जो है वो मेजरली पता होना चाहिए। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि चौथा सवाल हमसे कुछ सीरीज दे रखी है, राइट? अब हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो हमें क्या चीज नजर आ रही है? हमारा क्वेश्चन जो है 2, 3, 6, 15, 45, 156 and 630, यही है। इस सीरीज के अंदर आप लोगों को सिर्फ एकमात्र चीज जो नजर आ रही है वो है कि यही नंबर्स जो है यहाँ नीचे भी लिखे, इज इट करेक्ट? और यहाँ पर जो है डैश डैश भी लिखे, राइट? तो क्वेश्चन को देख करके हमें ये समझ में आ गया कि ये जो है मेरा सवाल है रॉन्ग टर्म्स का। अब देखो सीरीज तुमने यहां लिख दिया था तो क्या करेंगे, फटाफट से इरेज कर देंगे, ठीक?
क्या करना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर पहचान में आ गया है तो आप लोगों को बताऊंगा कि ये रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन है, WTS यानी कि रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का सवाल है। तो हमें ये पहचानना है कि इस सीरीज के अंदर रॉन्ग टर्म कौन सी होने वाली है। फटाफट से इस सवाल को देख लो, मैं स्क्रीन के सामने से हट चुका हूँ ताकि तुम लोगों को ये सवाल जो है साफ साफ नजर आने लग जाए। ध्यान से इस सीरीज को अगर तुम देखते हो या आप अगर ध्यान से इस सीरीज को देखते हो तो आप लोगों को जो है गणित समझ में आ जाएगी। पहला वाला जो नंबर है आप लोगों के सामने नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है, उसकी वजह से जो है हमारी सीरीज बन रही है। तो अब आप क्या करो, 2 में मल्टीप्लाई करो कितना, 1.5। जैसे आप 1.5 को 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के सामने जो डिजिट आती है वो कितनी आती है बेटा, 3 आती है, राइट। क्या हमको इसको उल्टा देखना है? उल्टा कैसे देखना है? उल्टा इस तरीके से देखना है कि अगर आप लोगों को अगली डिजिट चाहिए यानी कि 3 अगर आप लोगों को चाहिए 2 के बाद तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग करोगे 1.5 का मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलो 2 into 1.5 is what? 3, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ही आप आगे बात करोगे तो आप लोगों को ये गणित समझ में आ जाएगी कि 6 जो है हमें कैसे लेकर के आना है, राइट। क्या करना है, अगला नंबर लिखना है 3 और उसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, जरा मुझे फटाफट से बता दो कि अगर मुझे यहाँ 6 चाहिए तो मुझे पहली वाली डिजिट के अंदर क्या करना पड़ेगा। पहली वाली डिजिट के अंदर मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये करना चाहिए, राइट। जैसे ही आप ये स्टेप लेते हैं तो आप लोगों के सामने जो है 6 यानी कि तीसरी डिजिट जो है नंबर की वो समझ में आ जाएगी। जैसे ही आप लोगों ने क्या किया कि आपकी तीसरी डिजिट आपके सामने आ गई तो आपको दिखेगा 15। अब वापस से उल्टे चलो बेटा, यहां पर तो है आप लोग लिख दो 15, ठीक है। ये 15 जैसे ही आप लिखते हो, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा इस सवाल को, 15 जैसे ही आप लिखते हो तो आप लोगों ने किया यहाँ इक्वल्स टू और आप लोगों ने लिखा यहाँ 6। अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मुझे 15 जो है मुझे आंसर में मिल जाए, तो मैं 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा 2.5 का। जैसे ही मैं 2.5 को 6 में मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से तो मुझे मिलता है 12 और यहां से 0.5 की वजह से मुझे मिलता है 3। जैसे ही मुझे 3 मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 15 लिख दूंगा। क्या मैं इस कंडीशन में हूँ? जी हाँ, एग्जैक्टली हम इस कंडीशन में हैं। लेकिन अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, अब ध्यान से इस सीरीज को देखो तो आप लोगों को नजर आएगा कि यहाँ लिखा हुआ है 45 और यहाँ जो है 15 लिखा हुआ है। जैसे ही यहाँ 15 लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को 15 की टेबल याद होगी तो आप क्या करोगे, 15 में मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 का और आंसर निकाल दोगे 45। यानी कि यहां तक तो हमारी सीरीज जो है बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती चली आ रही है। प्रॉब्लम हमें यहां कहीं क्रिएट हो सकता है और वो प्रॉब्लम हमें यहां कैसे क्रिएट होगा आओ देख लेते हैं। आप लोगों को एक सेट पैटर्न नजर आ गया तो आप लोग क्या करोगे कि 45 में मल्टीप्लाई करोगे किसको, 3.5 को। जैसे ही आप लोग 45 में 3.5 को मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास जो जवाब आने वाला है वो क्या आने वाला है मुझे फटाफट से बता दो। मेरे हिसाब से तो आपको 156 पक्के से नहीं मिलने वाला है, राइट। क्योंकि जैसे ही आप 45 में 3.5 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप लोगों को कुछ और डिजिट मिलती है जो कि कुछ अलग ही दिखती है। कैसी दिखती है? दिखती बिल्कुल 156 के आसपास ही है बट वो कुछ ऐसी नजर आती है बेटा, ठीक है, ध्यान से देख लो कैसी दिखती है बेटा, ऐसी दिखती है। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोगों को आपका जवाब मिल जाएगा। 45 into 2 is 90 एंड देन 45 वापस प्लस करोगे तो दैट इज 135 और 135 का जो हाफ, उसके बाद 45 का हाफ आप प्लस करोगे तो दैट विल क्रिएट अ पर्टिकुलर डिफरेंस और 5 का आधा इज 2.5 और उसके बाद 40 का आधा इज 20 तो 27.5 के आसपास आपका एडिशन होगा 135 के अंदर और आप लोगों का जो जवाब आएगा वो आएगा 157। पर अगर मैं 157 को ध्यान से देखूं तो मेरा 157 is not matching 156। इसका मतलब मुझे मेरा wrong term जो है वो यहां मिल गया, right? क्या हुआ है? This is your correct term which should be
अकॉर्डिंग टू द सीरीज और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मेरे पास ये डिजिट आना चाहिए था, मगर मुझे फाइंड करना था रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, तो यहाँ जो है मेरा रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज मेरे सामने नजर आ गया है, राइट। फटाफट से इसको मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ, एक बार सरसरी निगाह से अपना जो है पैटर्न समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, अगर नहीं समझ में आया हो उससे सवाल कर दो, ठीक है बेटा? समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। कैसे आप लोगों ने अंदाजा लगाया ये आप लोगों का सवाल हो सकता है, तो क्या करना है, अगर आप प्लस का आइडिया लगाते हो तो प्लस में आप लोगों को बहुत ज्यादा गणित लगानी पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए मल्टीप्लीकेशन वॉज द इजिएस्ट प्रोसेस विच कुड बी डन ऑन अ पर्टिकुलर नोट। तो हम लोगों ने क्या किया कि मल्टीप्लीकेशन किया उसमें, किसमें, सीरीज के पहले नंबर में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया, और मल्टीप्लीकेशन करने के साथ ही हम लोगों को आइडिया लग गया कि कितने बड़े नंबर से हमें अगली डिजिट के लिए मल्टीप्लाई करना है तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 45 तक आते आते हम लोगों ने क्या किया कि 3.5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर जो सेट पैटर्न था उसमें 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा था, राइट। 0.5 के इंक्रीमेंट के साथ आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का जवाब जो आना चाहिए था 157.5 आना चाहिए था, मगर एक्चुअल में आप लोगों की डिजिट लिखी हुई थी 156.5 लिखी हुई थी। तो आप लोगों ने क्या किया, रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया और अपना कार्यक्रम समाप्त करते हुए आप बढ़ गए अगले सवाल की तरफ, जो कि है पांचवा सवाल, जहां फिर से आप लोगों को एक रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज फाइंड आउट करना है। सीरीज आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, फटाफट से इस सवाल का जवाब मुझे दे दो कि इसमें क्या पैटर्न आप लोगों को लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग मुझे ये बताते हो कि इसमें क्या पैटर्न लगाना पड़ेगा, तो आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है आकाश सर, यहाँ पर आप लोगों के ठीक सामने। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते रहो इस सवाल को। तो आप लोगों को एक चीज नजर जो आएगी वो ये नजर आएगी बेटा कि आप लोग क्या कर रहे हो इस सीरीज के अंदर। ध्यान से देखो, टू को आप एज इट इज लिख दोगे, ठीक है? जैसे ही आप टू लिखते हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस पर्टिकुलर डिजिट के अंदर जो चीज करनी है वो ये करनी है बेटा, 2 × 1 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान दो इस पैटर्न को हम लोगों ने कैसे निकाला, मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में साफ साफ शब्दों में ये बताया था कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को जो करना है वो आप लोगों के ठीक सामने है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का कंबाइंड ऑपरेशन यहाँ लगा हुआ है और इस सीरीज को हम लोग निकाल रहे हैं। मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में ये बताया था बेटा कि कंबाइंड ऑपरेशन के सवाल भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइंड ऑपरेशन के सवाल को ऑपरेट कर रहे हैं ताकि हमें हमारा जवाब सही से मिल जाए। ध्यान से अगर आप इस सीरीज को देखते हो या इस स्टेप को देखते हो तो आप लोगों को अपना सेकंड डिजिट मिल जाएगा, दैट इज 2 × 1 is 1, sorry, 2 × 2 is 2, गलती से मिस्टेक हो गई बेटा, माफ कर दीजिएगा, 2 × 1 is 2 एंड देन 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज एडिशन ऑफ 3, राइट। क्या ये मेरा सेकंड डिजिट है, क्या ये मेरा सेकंड डिजिट है बेटा? जहां तक मुझे लगता है ये मेरा सेकंड डिजिट है। अब मैं आगे क्या करूंगा, 10 जो टर्म है यानी कि 10 जो टर्म है उसको निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए कि 3 × 2 + 2 का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो मेरे पास जो है सेकंड डिजिट यानी कि 2 जो है साफ साफ शब्दों में नजर आ जाएगा, वो कैसे, 3 × 2 = 6 और ये 4, भाई 2 का स्क्वायर सबको पता है ना 4 ही होता है, अगर नहीं पता तो समझ लो, सोच लो, दिमाग में बिठा लो कि 2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज योर 10, राइट। आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास क्या हुआ, 10 आई डिजिट, हम लोगों ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 का स्क्वायर यहाँ पे एडिशन कर दिया। जैसे ही आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आप लोगों के पास कितना आया बेटा, 30 आएगा यहाँ से, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, यानी कि आपके पास डिजिट आनी चाहिए थी 39, मगर एक्चुअल में आप लोगों को जो डिजिट दे रखी है वो कितनी है बेटा, 40। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो बेटा, तो आप लोगों को अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप लोगों को फाइंड करना था रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, जो कि आप लोगों के सामने आ गई है, समझ गए? पैटर्न जो है हम लोग एक तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1 का मल्टीप्लीकेशन फिर 1 का स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लीकेशन फिर 2 का स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लीकेशन फिर 3 का स्क्वायर। जैसे जैसे जो है आप लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे आप लोगों को सीरीज में पैटर्न समझना होगा। तो मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ,
आप लोगों को जो ध्यान देना है वो है PATTERN. Pattern of a particular question is to be needed to understand the question or is to be understood to solve the question, right? क्या हुआ है? 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लीकेशन, 2 का स्क्वायर 2 का मल्टीप्लीकेशन, 3 का स्क्वायर 3 का मल्टीप्लीकेशन. सीरीज के हिसाब से हम लोगों को करना था और हमारे पास 39 एज अ आंसर आना चाहिए था, बट एक्चुअल में 40 सीरीज में लिखा हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी रॉन्ग टर्म को पहचान गए हैं हम, और जैसे ही हम रॉन्ग टर्म को पहचान गए हैं तो भैया हम लोगों ने जो है हमारा जवाब मार्क कर देना है और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाक से इतना आंसर मार्क कर दो और पांचवें सवाल को भी फटाफट से सॉल्व करा हुआ मान लो और आगे बढ़ जाओ. जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आप लोगों को जो सेकेंड टाइप है क्वेश्चंस का वो नजर आने लगता है, और आप लोगों का सेकेंड टाइप क्वेश्चंस का क्या होने वाला है वो है अल्फाबेट सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को ये एहसास हो गया होगा कि आप लोगों का जो सवाल है वो है मिसिंग टर्म्स या मिसिंग अल्फाबेट इन द गिवन सीक्वेंस का. क्या करना है, सीरीज को देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, और फिर मुझे बताओ कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होने वाला है. उसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट, राइट? क्वेश्चन सीरीज को देखो और सीरीज को देखने के बाद मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसमें पैटर्न क्या लगाया हुआ है. फटाफट से बता दो बेटा, फटाफट से बता दो. जैसे ही तुम बोटाओगे हम तुम लोगों को बता देगा कि इसका तोड़ी का क्या है. क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए. ध्यान से देख लिया क्वेश्चन को, अगर आप लोगों ने इस सवाल को ध्यान से देख लिया है तो आप लोगों को कुछ बढ़िया सी चीज नजर आ रही होगी, और वो बढ़िया सी चीज क्या है यह मैं आप लोगों को अभी बता ही देता हूं. यहां इस सवाल को ध्यान से देखो, ए जेड बी, यार एक सेकंड रुको, इस क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ छोटी सी आशा और छोटी सी गड़बड़ मुझे नजर आ रही है, शायद वो सही है या शायद वो गलत है, ये देख लेते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ है इस सवाल के अंदर, फटाफट से इस सवाल को देख लो, कोई गड़बड़ नजर नहीं आई मुझे, मैंने दूर से इस क्वेश्चन को देख लिया. तो सी यहाँ लिखा हुआ है आपका, फिर यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ आपका डब्ल्यू है, फिर यहाँ डी लिखा हुआ है, राइट? अगर आपको अल्फाबेट चैप्टर समझ में आ गया था तो आप लोग इस सवाल को बहुत तरीके से सॉल्व कर लोगे. वो कैसे, आओ बताता हूँ. ए जो अल्फाबेट है ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि फर्स्ट अल्फाबेट है हमारा किसका, अल्फाबेटिकल सीरीज का, राइट? फिर जब मैं जेड को देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि 26th अल्फाबेट यानी कि लास्ट अल्फाबेट यहां पर लिखा हुआ है. ठीक, तो इस सवाल को ध्यान से देख करके मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो क्या होना चाहिए, ये जो है क्या है यहां पर मेरा सेकंड अल्फाबेट है, राइट? तो अब अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास फिर क्या होना चाहिए था कि यहां पर आना चाहिए था कुछ एक ऐसा टर्म जो कि है फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन, राइट? फिर अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि अब देखो इसमें एक चीज हम मिस कर दिए, इसीलिए हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी. हमने जो मिस कर दिया वो मिस कर दिया बेटा वाई, राइट? तो क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, फटाफट से हमें मिटाने का मौका दे दो, और जैसे ही हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझा देंगे. तो क्वेश्चन में जो हमसे मिस हुआ था वो ये था बेटा, ए जेड वाई बी सी डैश एंड देन डब्ल्यू और डी, ये मिस हुआ था. तो इसके साथ ये कॉमा भी थे. अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को समझ में आता है दिस इज वन एंड दिस इज 26th एलिमेंट या फिर अल्फाबेट, राइट? फिर आप क्या करते हो कि वापस से कॉम्बिनेशन को देखते हो एंड दिस इज 25th एंड दिस इज सेकंड. क्या समझ में आ रहा है?
पहला एलिमेंट जो है या पहला अल्फाबेट जो है वो है स्टार्टिंग से और दूसरा जो है वो एंडिंग से है। क्या हुआ, पहला जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया वो लेफ्ट साइड से लिया और दूसरा जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया तो एक कॉम्बिनेशन सा बन रहा है। कैसा कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड अल्फाबेट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड सेकंड लास्ट अल्फाबेट फ्रॉम द एंडिंग, ठीक है राइट। तो अब यहां पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि दिस इज द थर्ड अल्फाबेट, तो थर्ड लास्ट अल्फाबेट यहां पे हमारे पास आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यही हो, लेकिन आगे भी चेक कर लो क्या हो रहा है। दिस इज योर फोर्थ अल्फाबेट एंड दिस इज योर फोर्थ लास्ट अल्फाबेट विच वुड बी व्हाट, 23। सॉरी, हाँ 23, बिल्कुल ठीक है, 23 इज गोइंग टू बी योर फोर्थ लास्ट अल्फाबेट। क्यों, क्योंकि 23, 24, 25 एंड 26 ऐसा होता है, तो दिस विल बी योर फोर्थ लास्ट अल्फाबेट जो कि आप लोगों के सामने कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है। तो दैट मींस यहां पर हमारे पास 24th अल्फाबेट होना चाहिए, दैट इज एग्जैक्टली एक्स हमारा, राइट समझ में आ गया। इसमें पैटर्न क्या था बेटा, देयर वाज अ कॉम्बिनेशन, यहां पर एक कॉम्बिनेशन था सीरीज का स्टार्टिंग, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज का स्टार्टिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज का एंडिंग वाला कॉम्बिनेशन था, जो कि आप लोगों के सामने मैंने यहां बता दिया। और क्लैरिटी के लिए मैं यहां दिख देता हूं, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट और ये जो था मेरा चौथा सेट, यानी कि फाइनल सेट था, राइट। इसमें मुझे फाइंड क्या करना था, ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी थी। कॉम्बिनेशन मैंने बिठाया, कॉम्बिनेशन बिठा करके मुझे पता चल गया कि ये क्या चीज हो रखी है। तो इसी तरीके के कुछ सवाल आप लोगों को यहाँ नजर आने वाले हैं या इस चैप्टर में नजर आने वाले हैं, जो आप लोगों को सॉल्व डेफिनेटली करने होंगे, क्योंकि अगर आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हो तो ओलंपियाड में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है आज का सातवां सवाल। अब यहां बेटा, यहां ध्यान से देखो तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि ये वर्ड लिखा हुआ जो है वो वर्ड क्या लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हाइलाइटर पेन ले लेते हैं और हाइलाइटर पेन लेने के बाद इस चीज को मार्क कर देते हैं, रॉन्गली प्लेस्ड। इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आप लोगों को जो मिलने वाला है, दो टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला था मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जब आप सॉल्व करते हो तो आप लोगों को नजर आता है कौन सा सवाल, रॉन्गली प्लेस्ड, यानी कि रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का, या फिर रॉन्ग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज के ऊपर। तो क्या करना है, इस सीरीज को ध्यान से देखना है और उसके बाद अपना जवाब जो है हमें सामने दे देना है। तो फटाफट से जो है इस सवाल को देखो और इस सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हो जाओ। तुम्हारे पास है मात्र और केवल 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 30 सेकंड का समय। ध्यान से इस सवाल को देखो बेटा, ध्यान से इस सवाल को देखो, क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर, आओ आप लोगों को बता देते। ओहो सर, मार्कर नहीं हटाए, अरे लो भाई, ये जो है हमने किया इरेज और ये जो है हमने सेलेक्ट किया पेन और हम लोग आ गए आप लोगों के सामने सवाल को सॉल्व करने। Z, T, P, K, H and F आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखते हो तो क्या मैं ये स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज मान सकता हूं, क्या मैं ये स्टार्ट ऑफ द सीरीज मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। क्या मैं ये एंड ऑफ द सीरीज मान सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल मान सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल मान सकता हूँ। तो क्या करना है बेटा, इस सवाल को यहां से शुरू करना है। जैसे ही आप इस सवाल को यहां से शुरू करते हो तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर पैटर्न नजर आ जाएगा। कैसा पैटर्न नजर आएगा कि अगर मैं जो है ध्यान से सवाल को देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि
अगर मैं जेड में से कुछ माइनस करता हूं तो मुझे कुछ नजर आता है। क्या कुछ नजर आता है, आओ देख लेते हैं। जैसे ही मैं जेड में से कितने डिजिट माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। ध्यान से सवाल को देखो कि अगर मैं जेड में से कितना डिजिट पीछे जाऊं, अगर मान लो मैं 6 डिजिट्स पीछे जाता हूं तो क्या मुझे टी मिलेगा। भाई जेड की पोजीशन जो होती है कितनी होती है, 26। यही पता है हमें, यही हमें ज्ञात किया गया है, यही हमें ज्ञात करवाया गया है, यही हमें समझाया गया है। तो क्या हुआ, जेड की पोजीशन इज 26, टी की पोजीशन इज 20। तो मुझे ये पता चल गया कि -6 अगर मैं करता हूं तो मैं एग्जैक्टली आ जाऊंगा कहां पर, टी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो यहां से भी कुछ हम लोगों ने पर्टिकुलरली माइनस किया होगा जिसकी वजह से मुझे जो है पी यहां मिल गया, राइट। तो अगर मैं पी की पोजीशन आप लोगों को बता दूं, दैट इज 16, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि इसमें से कितना माइनस किया गया है, यहां पे 4 माइनस हुआ है, राइट। पर्टिकुलरली पता चल गया मुझे कि यहां पे क्या माइनस हुआ है, 4 माइनस हुआ है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि K की जो पोजीशन है वो कितनी होती है, ये पहले आप मुझे बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, मैं स्क्रीन के सामने से इधर हो जाता हूं ताकि आप लोग मुझे ये बता दो कि भैया K की पोजीशन जो है कितनी आती है। तो क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि P में से कितना माइनस करने पे हमारे पास K आया है। फटाफट से बता दो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6। अरे क्या 10 तक गिनती गिनवाओगे क्या भाई, जल्दी बताओ। नहीं बता रहे, चलो मैं बता देता हूं। K की पोजीशन होती है 11, ठीक है। कैसे 11 होती है, अरे कैसे 11 होती है, I की पोजीशन 9 होती है तो K की पोजीशन इज 11, क्योंकि I और K के बीच में एक ही एलिमेंट आता है, दैट इज J, ठीक है। तो K की पोजीशन अगर 11 होती है तो इसका मतलब मुझे यहां से कितना माइनस करना चाहिए, जल्दी बता दो बेटा, मुझे यहां से कितना माइनस करना चाहिए कि मेरे पास K आ जाए। तो मुझे यहां से 4 वापस से माइनस करना चाहिए, राइट। अगर मैं यहां से 4 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, राइट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब K में से मैं कितना माइनस करूं कि मेरे पास H आ जाए, अगर मैं K में से कुछ माइनस करता हूं तो मेरी पोजीशन कितनी है बेटा, 8। किसकी पोजीशन 8 है, H की पोजीशन 8 है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि 11 में से कितना माइनस किया जाए तो मेरे पास 8 आ जाएगा। फटाफट से बता दो, ये हुआ हमारा -3, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद मुझे पता है कि F की पोजीशन इज आपकी कितनी, जल्दी बता दो बेटा, F की पोजीशन हमारी कितनी होती है, जल्दी बता दो, दैट इज 6, ठीक है। अगर आप 6 माइनस करते हो तो आप लोगों को कितना वैल्यू मिलना चाहिए, दैट शुड बी -2। लेकिन अगर मैं सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न नहीं बन रहा। कैसे नहीं बन रहा, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 4 अगेन, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा था इस सीरीज को यहां से देखना शुरू करो, अगर मैं इस सीरीज को यहां से देखना शुरू करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि 2, 3, 4 और यहां पे 4 और यहां 6, तो क्या यहां पे 5 आना चाहिए था। अगर यहां पे 5 आता तो ये एक सेट पैटर्न बन जाता दोनों डायरेक्शंस में, यहां पर इंक्रीजिंग पैटर्न और यहां डिक्रीजिंग पैटर्न, राइट। तो क्या करो के तुम लोगों को फाइंड करना था रॉन्गली प्लेस्ड टर्म, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था रॉन्गली प्लेस्ड टर्म को, क्योंकि यहां मुझे जो है पैटर्न गड़बड़ नजर आने लग गया, राइट। क्या करना है, यहां पे -5 करो। जैसे ही आप यहां -5 करते हो तो आप लोगों के सामने जो है पोजीशन जो एलिमेंट की आती है वो आती है बेटा कितनी, 15th पोजीशन आती है, और 15th पोजीशन पे मेरा जो एलिमेंट बैठता है दैट इज O, ठीक है बेटा। कैसे मुझे पता चला कि एक सेट पैटर्न नहीं बन रहा, तो मैंने क्या किया, -5 यहां लगा करके देखा, तो अगर मैं 20 में से 5 माइनस करता हूं तो मेरी पोजीशन आती है कितनी, 15, ठीक। और मेरा जो एलिमेंट आता है वो कितना आता है, O, दैट इज अल्फाबेट O आता है 15th पोजीशन के ऊपर। तो मैंने क्या किया,
इस रॉन्गली प्लेस्ड एलिमेंट को पकड़ लिया और इस रॉन्गली प्लेस्ड एलिमेंट को हम कर देते हैं हाईलाइट, क्योंकि ये हमारा है रॉन्गली प्लेस्ड एलिमेंट। ठीक है बेटा, समझ गए क्या करना है? ऑप्शन बी को मार्क कर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, देख लो, अगर कोई परेशानी हो तो तत्परता के साथ अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि मैं उस सवाल का जवाब आप लोगों को दे दूं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है मेरा लेटर रिपीटिंग सीरीज का सवाल है। लेटर रिपीटिंग सीरीज इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच विल बी सीन बाय यू पीपल इन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर ट्रेन या रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ नंबर सीरीज या अल्फाबेटिक सीरीज, राइट? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है, क्या मांगा गया है आपसे, उसको जानने की एक कोशिश करते हैं। Complete the series given below by finding the missing term. इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, question marks की जगह पे कुछ alphabets को लिखना है, और कुछ alphabets को लिखने के साथ हमारा जो है pattern हमें एक specific मिलेगा, उस specific pattern को हमें जो है बताना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो question कहता है कि which set of alphabets should be replaced by the question marks, यानी कि जो highlight किए हुए question marks हैं, उनमें कुछ alphabets आने चाहिए, जिनके कारण आपकी ये series एक set pattern में convert हो जाने वाली है। तो फटाफट से इन options को जो है हम यहाँ place करके देखेंगे और अपना जवाब जो है आप लोगों के सामने पटक देंगे। क्या करना है? Option A, Option B, Option C और Option D को जो है आप लोगों को चेक करना है एक एक करके। ये सवाल जो है हम आप लोगों को कराने वाले हैं, मगर उससे ठीक पहले हम जो है थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या करना है बेटा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लोगों को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सारे ऑप्शंस को जो है प्लेस करके देखना है, और हमारा जो है जवाब हमें उन्हीं ऑप्शंस में से मिल जाएगा। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर मैं यहाँ इस सीरीज के अंदर जो है पहला ऑप्शन प्लेस करता हूं, तो क्या होगा वो पहला ऑप्शन मेरा? क्या मैं यहाँ सी लिख दूं? ओहो, मार्कर जो है चेंज नहीं हुआ है, इंक जो है चेंज हो गया है। क्या करो, फटाफट से जो है इसको अनमार्क कर दो और यहां आ जाओ। ये लो भाई, क्या करा हमने, क्वेश्चन मार्क की जगह सी प्लेस करके देखा, ए सी बी, बी सी ए, ठीक है, ए ए बी, फिर क्या किया, वापस से बी प्लेस कर दिया, फिर अगले क्वेश्चन मार्क में हमने ए प्लेस कर दिया, और फिर हमने डी प्लेस कर दिया। क्वेश्चन की सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ सीरीज इस तरीके की बन रही है, जो कि है ए सी बी बी सी, ए ए ए बी बी सी, ए ए ए ए बी सी ए डी। ये मुझे कुछ सेट पैटर्न नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूं, इस को इरेज कर देता हूं, और इरेज करने के साथ ही मेरा जो ऑप्शन ए है उसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं और बढ़ जाता हूं मेरे ऑप्शन बी की तरफ। अगर मैं ऑप्शन बी को सेट करता हूं तो किस तरीके से ये सेट होगा, आओ देख लेते हैं। दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी अगेन, एंड दिस इज ए अगेन। क्या हुआ बेटा, कोई सेट पैटर्न आप लोगों को अगर मिल रहा है तो मुझे प्लीज बता दीजिए। कुछ सेट पैटर्न सा मुझे नजर आने लगा है, मगर वो क्या है ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। कैसे बताऊंगा बेटा, पढ़ के बताऊंगा। ए बी 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 सी, ए ए ए बी सी सी, ट्रिपल ए बी बी सी ए ए। क्या ये कोई सेट पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या ये कोई सेट पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई सेट पैटर्न है। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को भी फटाफट से इरेज कर दूंगा, राइट? फिर मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के सामने ऑप्शन सी को। क्या हुआ, ऑप्शन सी में हमने प्लेस किया यहां बी, यहां पे भी बी, यहां ए, यहां पे भी ए, और यहां पे भी ए। जैसे ही मैं ये प्लेस करता हूं तो फिर से मुझे कुछ अटपटा सा पैटर्न नजर आ रहा है, दैट इज ए बी डबल बी सी, बी ए ए, बी ए सी, ट्रिपल ए, अगेन ए, बी सी ए ए। फिर से मुझे कुछ मजा नहीं आया, तो मैंने
ऑप्शन सी को भी जो है थोड़ी देर के लिए जो है अलग हटा के रख दिया और हमने चौथा ऑप्शन ट्राई किया। अगर हम चौथे ऑप्शन को ट्राई करते हैं तो क्या करना है, भाव देख लेते हैं। ए ये लो भाई, क्या हुआ, मार्कर मिस हो गया, अभी आ जाएगा, ये लीजिए बेटा। हमने क्या करा, ऑप्शन सी तक ट्राई कर लिया है, ऑप्शन डी हम लोग वापस से ट्राई करने वाले हैं। दिस इज ए, दिस इज अगेन ए, दिस इज बी, दिस इज अगेन बी, एंड दिस इज योर ए अगेन, राइट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ एक सेट पैटर्न सा नजर आने लगा है। अब वो कैसे नजर आने लगा है, आओ देख लेते हैं, फटाफट से आ जाओ, बताता हूं तुम्हें क्या नजर आ रहा है। अगर आप लोग ये देखते हो, क्या देखते हो बेटा, ए ए बी बी और फिर से आए सी ए, राइट। ये जो है कुछ ऐसा मुझे यहां से यहां तक नजर आ रहा है। इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया अच्छे से लग जाए कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। ये लो बेटा, ये देखो, दिस इज ए ए बी बी सी ए, ए ए बी बी सी ए, ठीक है। आगे फिर से चलते हैं, दिस इज अगेन ए ए बी बी सी ए, क्या ये हमारा दूसरा सेट बन गया। अगर मैं आगे देखता हूं तो क्या मुझे तीसरा सेट मेरा नजर आ गया, जी हां सर नजर आ गया, क्योंकि यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। ओ ए ए बी बी सी ए, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहां लास्ट में, ये जो है इसको स्किप आउट करना था, हम थोड़ा सा टेक्निकल एरर की तरफ बढ़ गए हैं। तो क्या करना है, फटाफट से जो है इसको मिटा दो। कैसे मिटाओगे अभी बता देते हैं। ये देखो बेटा, ये जो है हमारे सामने से ऑप्शन मिट गया और हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, समझ गए क्या हुआ है। एक सेट पैटर्न हम लोगों ने सेट किया जो कि आ रहा है डबल ए डबल बी सी ए, 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 ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सेट हो रहा है और ये पैटर्न हमारे पास नजर आ रहा है। बोर्ड पे इंक चेंज नहीं करेंगे सर तो कैसे काम चलेगा, ये लीजिए ए ए बी बी सी ए का एक सेट पैटर्न आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, एंड दैट इज योर बेस्ट पैटर्न विच यू कुड फाइंड इन ऑल द ऑप्शंस या अमंगस्ट ऑल द ऑप्शंस, ठीक है बेटा। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो कि है वापस से लेटर्स मिसिंग इन द गिवन सीरीज का, ठीक है, या फिर मिसिंग लेटर्स इन द गिवन सीरीज का, जहां पे फिर से हमें एक कॉम्बिनेशन सेट करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं मात्र एक मिनट का वक्त जो कि शुरू होता है अब। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या करना है। एक सीक्वेंस आप लोगों को दे रखा है और उस सीक्वेंस में आपको कुछ अल्फाबेट्स को सेट करना है और अल्फाबेट्स को सेट करने के साथ ही आप लोगों को एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाना है उस सीरीज का, ताकि आप लोगों को जो है मजा आ जाए। अब कैसन मजा आएगा बाबू, ये तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आप लोगों को बता पाएगा। देख लो फटाफट से क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या है भैया, फटाफट से सवाल को देख लो और मेरे साथ बने रहो। जैसे ही आप इस सवाल को देख लेते हो और मेरे साथ बने रहते हो तो हम इंक चेंज करने का पैटर्न या जो हमारा प्रावधान है उसको हम लगाए रखेंगे और ऑप्शन ए को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑप्शन ए, योर्स ए सी बी एंड बी। क्या ये कोई सेट पैटर्न हमें लग रहा है, क्या कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ए ये बी हो गया, ये ए ए हो गया, सी बी हो गया, सी बी हो गया वापस से, फिर बी बी हो गया और ए बी हो गया और बी हो गया वापस से। कोई सेट पैटर्न मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस सीरीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा और जो है अगला कलर चूज करूंगा जो कि होने वाला है येलो, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्राई करने वाला हूं ऑप्शन बी। क्या करो बेटा, फटाफट से ऑप्शन बी प्लेस कर दो यहां पर, बी ये सी एज इट इज, ये ए एज इट इज, ओ ए एज इट इज और ये ए। अब यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो बी ए बी
CBC BAB ABA। ये एक थोड़ा सा अच्छा सा पैटर्न मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हाँ शायद ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को जो है यहां लिख लेंगे। क्या है ये, BAB ठीक, CBC फिर आ जाओ BAB फिर आ जाओ ABA। यहां जो आपके मिसिंग एलिमेंट्स थे वो ये थे, फिर तीन के गैप के बाद ये था, फिर एक बी के गैप के बाद सी था, फिर सीबी के गैप के बाद वापस से बी था। ये आपके मिसिंग एलिमेंट्स थे। अगर आप सेट बनाने की कोशिश करते हो तो कुछ इस तरीके का सेट बनाते हो, राइट? ध्यान से देखो, आप कुछ इस तरीके का सेट बनाते हो, बीएबी सीबी सी बीएबी। यहां पे वापस से आपका जो है सीबीसी आना चाहिए था, बट सीबीसी मैच नहीं कर रहा विद दिस। करना चाहिए था मैच बट नॉट मैचिंग। क्यों? क्योंकि दिस इज मैचिंग विद दिस, यानी कि फर्स्ट इज मैचिंग विद थर्ड, तो डेफिनेटली सेकंड को जो है फोर्थ के साथ मैच करना चाहिए था, बट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहां है सीबीसी और यहां है एबीए, ठीक। तो यानी कि मेरा ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन ए ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया था, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था ऑप्शन ए को सेट करने में। तो मैं क्या करता हूं, मेरा ऑप्शन सी एक बार फिर से सेट करके देखता हूं और आ जाता हूं अगले रंग की तरफ, जिससे कि मैं तीसरा ऑप्शन सेट करने वाला हूं। आओ फटाफट से देख लो कि क्या गणित हम खेलने वाले हैं। तो हमने क्या करा, यहां प्लेस किया सी, यहां प्लेस किया ए, यहां प्लेस किया बी और यहां फिर से प्लेस किया बी। क्या हुआ बेटा, बी ए सी सी बी ए, ठीक है, कुछ एक पैटर्न बना। फिर आगे बढ़ते हैं, बी बी बी, यहां पैटर्न हमारा फिर से बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही ये लिखा बी ए सी सी बी ए, यहां तक ठीक था, कुछ एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा था, बट यहां जैसे ही मैं आगे आता हूं, दैट इज बी बी और बी, ये पैटर्न जो है गड़बड़ी कर गया मेरे सामने। तो क्या करना है, जहां पे मिसिंग टर्म ये थी और जहां पे मिसिंग टर्म ये थी, और फिर अगली मिसिंग टर्म जो हमारे पास थी वो का थी बबुआ, वो ई थी बबुआ, सॉरी ई, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां तक हमें पैटर्न सही समझ में आया, अगला पैटर्न हमें यहां सही समझ में आया, बट यहां पर जो है सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, जो कि गलती से मिस्टेक हो गई, किससे, ऑप्शन से हो गई, ठीक है, हमसे नहीं हुई, मात्र ऑप्शन से हुई। तो हमने क्या करा, इसको भी कट ऑफ कर दिया। अब बचा है हमारे पास आखिरी ऑप्शन, जो कि डेफिनेटली सेट हो गई, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है कुछ भी सवाल करने का। तो हम क्या करते हैं, इस आखिरी ऑप्शन को भी ट्राई कर लेते हैं, मगर उससे पहले अलग से ट्राई करेंगे, क्योंकि यहां वैसे ही बहुत ज्यादा जो है गचपच हो चुकी है। तो क्या करो, यहां इस सीरीज को लिख लो, दिस इज बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी और डैश। क्या यही है? जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इन ऑप्शंस को ट्राई करते हैं और एक और इंक यहां से उठा लेते हैं, ये लीजिए। तो जैसे ही हमने ये इंक उठाई, हम लोग यहां ऑप्शन प्लेस करना शुरू करेंगे। दिस इज योर ऑप्शन बी ए सी एंड सी। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, दिस इज योर बी, ठीक है, गड़बड़ी अगर ऐसी लग रही हो तो इसको बी लिख लेना, सोच लेना कि ये बी ही है, ठीक है, ये लो, ठीक है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते हो तो फिर से मुझे एक सीरीज नजर आ रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज है। आओ देख लेते हैं कैसे, इसको यहां से काटना शुरू करो। ये काटा, बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए और बी सी। क्या हुआ, फर्स्ट इज मैचिंग विद थर्ड एंड देन थर्ड इज मैचिंग विद योर फिफ्थ, ठीक, एज सेम एज टू इज मैचिंग विद योर फोर्थ एंड योर सिक्स्थ इज मैचिंग विद योर फोर्थ। क्या समझ में आया, समझ में आया क्या, मुझे बताओ ना। ये देखो भैया,
क्या ये मैच हो गया? तो हाँ ये मैच हो गया और मेरा ऑप्शन जो है वो डी हो गया। और सर हमारे सवाल का जवाब हमें एकदम तत्परता के साथ मिल गया, क्योंकि इतना सारा जो हमने मेहनत किया वो फाइनली सफल हो गया ऑप्शन डी के अंदर जा करके। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने आज का ये सवाल भी कर लिया है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। उससे पहले अगर आप लोगों के मन में कोई भी विचित्रता या कोई भी विघ्न या कोई भी सवाल जन्म ले रहा है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है और उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है और हमसे जवाब आने की उम्मीद में लगे रहना है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ चलिए। अगला सवाल जो है बहुत करीब तरीके से लिखा गया है, बहुत ही ज्यादा पास लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं इस सवाल को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बेटा फटाफट से इस सवाल को देख लीजिए, समझ लीजिए और सोच लीजिए कि हमें क्या करना है। इसमें भी हमें एक पैटर्न सेट दे रखा है जिस पैटर्न को हमें निकालना है और समय की पाबंदी की वजह से हम इस सवाल को फटाफट से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम आप लोगों को जो है सवाल डायरेक्टली समझा चुके हैं। तो क्या करना है ध्यान से देख लो। फटाफट से आ जाओ और इस सीरीज को यहां लिख लो, यू डैश टी डैश के डैश पी डैश सी के यू बी डैश सी के, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका यहां हम डायरेक्टली प्लेस कर रहे हैं, आपको एक पैटर्न हम लोग बता देंगे कि पैटर्न क्या होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। क्या होने वाला है, कैसे पैटर्न सेट हो रहा है, ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि पैटर्न कैसे सेट हो रहा है। फटाफट से सवाल को देख लो, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं आप लोगों को ये बता देते हैं कि भैया लाल रंग से रंग दिए हो तो थोड़ा सा लाइट कलर ले लो ना सर। ये लो भाई लाइट कलर ले लेते हैं, ये लो भाई, नहीं 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 दिस इज गोइंग टू बी वेरी लाइट कलर, तो हम येलो ले लेते हैं। ये देखो बेटा, ये जो आपके थे ये दीज वर योर व्हाट मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, जिससे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न हमारा बन रहा था, हमारा जो है एक ऑप्शनल आंसर बन रहा था। हम लोगों ने आपको क्या किया, पहले दो सवालों में समझा दिया कि भैया हम जो कर रहे हैं वो यही है, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ठीक है। फटाफट से गाने पे ध्यान नहीं देते हैं और हम आ जाते हैं हमारे सवाल की तरफ। ये जो एक सेट पैटर्न बन रहा है इसको जरा ध्यान से नजरों में उतार लो, क्योंकि अगर तुम नजरों में उतारोगे तो जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रही है गणित। हमारे साथ बने रहिए अगले कदम पर बढ़ने के लिए। ये ध्यान से देखो बेटा, इस ब्लॉकिंग को ध्यान से देखने पे आप लोगों को यह एहसास होता है कि वन इज मैचिंग विद व्हाट, योर वन इज मैचिंग विद थ्री एंड योर थ्री इज मैचिंग विद व्हाट फाइव, ठीक। उसी तरीके से योर सेकंड इज मैचिंग विद योर फोर्थ एंड योर फोर्थ इज मैचिंग विद योर फिफ्थ। अरे बालकों फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ है। छठा नंबर इज मैचिंग विद योर व्हाट फोर्थ, ठीक। ध्यान से देखने पे समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अगर आ गया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये है हमारा आज का आखिरी सवाल और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं हमारी अंतिम स्लाइड के ऊपर, जहां हम आपसे आग्रह करने वाले हैं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक बटन को दबा देना है। फटाफट से ये हल्क भैया की तरह आपको लाइक बटन को दबा देना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से कुछ सीखें या आपके दोस्तों को ये पता चले कि हाँ आप जो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स से पढ़ रहे हैं, तो क्या करना है बेटा, शेयर कर दो इस वीडियो को फटाफट से। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो क्या करना है, फटाफटी से जो है सब्सक्राइब का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में नजर आने वाली बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर दो। जोर से प्रेस मत करना, स्क्रीन को जो है तोड़ मत देना, ठीक है। फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दो और प्रेस करते ही जो है आप लोगों के पास अगली बार जब भी हम लोग ऑनलाइन आएंगे या हमारे वीडियोस का प्रीमियर आएगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के तौर पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन के नोटिफिकेशन बार में, जहां आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो है अगला वीडियो आ गया है।
अगर आप लोगों के पास और कुछ भी है, और कुछ क्या हो सकता है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में जाग रहा है, या पिछले वीडियोस को देखने की इच्छा कर रही है और आप लोग जानना चाहते हैं कि पिछले वीडियोस को देखने का प्रोसीजर क्या है, या इस पर्टिकुलर पोर्टल या पेज या फिर जो चैनल है उसका सब्सक्रिप्शन आपको कैसे मिलेगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है कमेंट बिलो इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन, जहां पे आप लोगों को मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कमेंट्स, उनको पढ़ते भी रहिए, उनका जवाब देखते भी रहिए, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम जो है आप लोगों के लिए हर सवाल का जवाब देने को तत्पर है बेटा। तो क्या करना है, अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लेक्चर 1 के लिंक पर क्लिक कर देना है और अपना जवाब हमसे ले लेना है। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया है तो लेक्चर 2 आप लोग अभी देख रहे थे, ये हो चुका है समाप्त। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं आज के सवालों को सॉल्व, दैट इज चैप्टर 2 यानी कि ट्रेन्स के एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से सॉल्व कर लो। अगर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों के मन में आता है तो वीडियो के नीचे फटाफट से कमेंट कर दो और मुझे पूछ लो कि भैया या सर ये सवाल जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तब तक आप लोग इस वीडियो को देख के बंद करते हो, तब तक के लिए, अभी तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले बुधवार को इस ही समय पर, कितने बजे 7 बजे बेटा, 7 बजे हम लोग आप लोगों से हर बुधवार को मिल रहे हैं और मेंटल एबिलिटी के सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम अपनी गाड़ी जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा पीछे रह जाए, इसलिए हम क्या कहते हैं, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो बेटा इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले बुधवार को यानी कि अगले थर्सडे को। अलविदा दोस्तों।